हफ्ते आपने जीरो और में बोलने का मौका दिया और मुद्दा भी ऐसा है, सावन का महीना और पहला सोमवार है और शक्कर भगवान के लिए मांग कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ मतलब जरूर इस बात को, मांग को पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है जो कि जिला सवाई माधोपुर के सिवाड़ में स्थापित है। इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और श्रावण मास में इतने श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। श्रावण मास में बारिश ज़्यादा होती है, अभी भी हो रही है, जिससे यहाँ आने वाले यात्रियों को सड़क के मार्ग से यात्रा करने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए रेल ही एकमात्र ऐसा यात्रा का साधन है। मेरी सदन के माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि ईसरदा स्टेशन पर दयोदय एक्सप्रेस ट्रेन संख्या नंबर 1281/82 एवं जयपुर इंदौर, अध्यक्ष महोदय जयपुर इंदौर मेरा आपका कहीं ना कहीं एक रिलेशन है और जयपुर इंदौर हफ्ते में 2 दिन चलती है, बहुत लोग आपके क्षेत्र के यहाँ पर आते हैं, जयपुर तक भी यहाँ तक है। मैंने आपके माध्यम से एक चिट्ठी दी थी, जयपुर इंदौर सिर्फ 2 दिन चलती है, इसको हफ्ते में लगातार 7 दिन चले तो आपके मेरे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी इसमें सुविधा मिलेगी। ये मेरी एक अलग से मांग है। अध्यक्ष महोदय, इसके मैं आपने बताया कि वर्तमान में सवाई माधोपुर से ईसरदा और इधर से जयपुर 9.5 घंटा तक किसी भी गाड़ी का ठहराव नहीं है, जिससे यहाँ के लगभग 100 ग्राम पंचायतों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मंत्री जी से मेरी मांग है कि इन ट्रेनों का ठहराव ईसरदा रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द कराया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं के साथ आसपास के ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।